हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. वेलकम टू द अनदर वीडियो. मैं हूँ शीतल. आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग अच्छे होंगे. आज दिशु की तबीयत थोड़ी ठीक है. बताती हूँ वो क्या कर रहा है. आज उसने अपने आप से दवाई लिया है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया है, इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा स्कूल वर्क होमवर्क वगैरह कर रहा है. आज मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा है, जस्ट बिकॉज एक दिन रेस्ट होना चाहिए और कभी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो दूसरे बच्चों तक स्प्रेड ना हो. और सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, तो अभी उसको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हम स्कूल उसको भेजेंगे. तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है. ओए दीशु बैठे हैं. दीशु हाय बोलो सबको. हाउ आर यू नाउ? हाउ यू फीलिंग नाउ? अभी ठीक लग रहा है, बेटर है ना? ये देखिए वो अपने क्लास के सारे नोट्स वगैरह के ऊपर अपनी लेबलिंग वगैरह कर रहा है. और आपका फैन कहाँ गया जो फैन बनाया था? वो अंदर रखा है. ठीक है, चलो ओके. सुबह से दीशु थोड़ा बीमार रहता है या कुछ भी, डिहाइड्रेट या कुछ भी ऐसा रहता है, तो संदेश स्पेशली उस समय पे ध्यान रखते हैं कि वो हाइड्रेट रहे. नारियल पानी वगैरह तो उसने नारियल पानी मॉर्निंग में पिया, दूध हमने नहीं दिया. जब भी बीमार होता है तो हम ज़्यादातर दूध या मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हो सकता है उसे इन्फेक्शन भी बढ़ता है जब कभी स्टमक इन्फेक्शन होता है. तो अभी तो स्टमक इन्फेक्शन नहीं है, बट फिर भी कॉफ है हल्का हल्का, तो कॉफ में भी मिल्क से भी किसी किसी बच्चों को कॉफ होता है, तो डॉक्टर ने अवॉइड करने को बोला है. तो हम लोगों ने मिल्क को अवॉइड किया है और उसकी जगह पे नारियल पानी दिया है. नारियल पानी नॉर्मल टेम्परेचर वाला दिया है, जिससे कि उसको खांसी वगैरह और ना हो और थोड़ा सा वो हाइड्रेट रहे. मैंने बात ले लिया है. और आज मैंने खाने में क्या बनाया है वो भी आपको बताऊँगी मैं जब भी हम लंच टाइम में लंच करेंगे. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैंने आज किया है, बहुत दिनों बाद मैंने आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एक पूरनपोली खाई है, जो कि अच्छे से कुरकुरी सेकी थी ऊपर से और खूब सारा घी लगा के मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पूरनपोली खाई है. मिल्क आज नहीं लिया है मैंने भी, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है थोड़ा सा गर्म चीज़ें खाने में दिलचस्पी कम होती जा रही है. और देखिए मैंने नेल आर्ट किया था और एक नेल निकाल भी दिया है, क्योंकि यहाँ पर लग गई थी चोट, ज़ोर से नेल लग गया था, बैंग हो गया था. तो बाकी सारे नेल्स में देख सकते हैं आप, मैंने ये नेल आर्ट किया था अपने एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले. मिलती हूँ थोड़ी देर में. चलिए जी जल्दी जल्दी आप खाना खा लेते हैं और अपना खाना सर्व करते हैं. आज खाने में बनाया क्या जी? तो खाने में देखिए क्या है. कुरकुरी लेडी फिंगर या भिंडी की सब्जी, दही, रोटियां और ये रहा हमारा मैंगो जूस. और दीशु का सारा काम होने के बाद वो देख रहा है टीवी. उसने खाना खा लिया है, वो 4 चेयर के ऊपर टीवी देखता है. आज शाम को मैं बनाऊंगी पुदीने धनिया की चटनी. तो यहाँ देखिए मेरा कितना सारा पुदीना उग चुका है. बहुत सारा नमक मुंह में आ गया. मिक्स नहीं किया नमक. नारियल की मलाई ये देखिए, ये मेरा पुदीना है. इसको खाते खाते ना गम कट जाते हैं. अच्छी लगती है. नो एंट्री. मुझे वो पतली वाली मली होती ना, जो गीली गीली सी होती है, सी सी से, वो बिल्कुल पसंद नहीं है. वो
मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ज़्यादा अच्छी लगती है थोड़ी मीडियम। वो ऐसे गीली गीली होती है ना, जेली जैसी, वो मैं नहीं खा सकती। उस दिन जो हम APMC गए थे ना, तो हम ये लेके आए डाइजेस्टिव सीड्स। मैं क्या क्या बताती हूँ, इसमें क्या क्या है। तो इसमें है फ्लैक्स सीड, सौंफ, काली वाली तिल, वाइट वाली तिल, अजवाइन, ये सारी चीज़ें इसमें। अब इसको क्या करेंगे, जर्दा खाते हैं ना, कैसे खाएंगे। तंबाकू खाने लगी क्या मैं, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है तंबाकू खाने के बाद कैसा लगता है, चक्कर आते हैं, नशा आता है, क्या होता है। मैंने एक और चीज़ करके रखी, बताती हूँ आपको। मेरा बट्टा बट्टा घी है, ये देखिए मैंने अजवाइन और नमक मिला के रखा है। ये घी है पहले पता था इस डब्बे में घी रखते हैं, इसलिए तुमने घी बोला। इसने बोला आप घी दिखाने लगोगे। चलो मिलती हूँ आपको डायरेक्टली शाम को। हेलो फ्रेंड्स, वापस से आ गई हूँ मैं किचन में, और आज मैंने क्या ट्राई किया है वो भी आपको बताती हूँ। मैंने आज डो बना के पिज़्ज़ा ट्राई किया है बहुत दिनों बाद, तो आई विल शो यू कि वो कैसा है, कैसा बन रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने पिज़्ज़ा के अंदर डाली है। अब पिज़्ज़ा देखिए, 1 2 3 पिज़्ज़ा। ब्रेड भी मैंने घर पर बनाया है, और ये देखिए पिज़्ज़ा भी हो गया मस्त वाला, बन गया पिज़्ज़ा। देखिए जी पिज़्ज़ा रेडी है, अब इसको हम कट कर देते हैं। ओहो, गजब। ये देखिए तो चलिए जी पिज़्ज़ा खा के देखते हैं कैसा बना है। देखिए बहुत बढ़िया स्पॉन्ज आया है, बहुत बढ़िया बना है। जल्दी जल्दी इसको खा लेती हूँ, मुझे सब्र नहीं हो रही। देखिए आप लोग देख सकते हैं पीछे से भी ये बहुत अच्छे से बेक हुआ है, क्योंकि मैंने क्या किया था तवे पे हल्का हल्का बटर लगा के इसको नीचे से भी अच्छे से सिकाई किया। अब मैं खा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, और पिज़्ज़ा बनते बनते बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि तीन तो पिज़्ज़ा बनाने थे बट तीनों को मैंने अलग अलग टाइप से बनाया है। तो यमी है, बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आप लोगों को पिज़्ज़ा की रेसिपी चाहिए क्या। मेरी कभी चाहिए होगी तो डेफिनेटली मैं आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी अपने आपको दूँगी। बोला है कैसा लगा, घर पे बनाया है, अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा, बताओ कैसा है। एक नंबर। फिर अभी क्या करते हो आप। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही खाइए खिलाइए और खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय बाय।